उनको अभिन की एक बार इन्होंने एक पहले भी ऐसा बयान दे चुके थे, दूसरा बार इनका बयान इन्होंने दिया है, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर इनको ऐसे जवाबी कार्रवाई नहीं दी जाए, इनको जवाब नहीं दिया जाएगा, इन लोगों की मंशा जो है बढ़ती ही जाएगी। और इनकी ये मंशा है कि ऐसे हम जवाब उलझुल सवाल करके संविधान को ऐसे करके, ये लोग इनकी मेजोरिटी तो राज्यसभा में भी है और संसद में भी है, हर जगह पे 18-19 स्टेट में इनकी सरकार भी है, तो ये लोग फुल पावर में है, तो ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। इसी बीच के दौरान अगर ये लोग कुछ ना कुछ जो सेकुलरिज्म वर्ड है, इस टाइप के वर्ड को ये लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संविधान के तो शपथ जब ये विधायक बनते हैं या राज्यसभा मेंबर बनते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो संविधान के तो शपथ लेते हैं और फिर कहते हैं हम संविधान को बदलेंगे। ये वही एक वर्ड होता है जिसे मैं कहना नहीं चाहूँगा कि ये वो लोग हैं जो संविधान की शपथ भी लेते हैं और संविधान को हटाने की भी बात करते हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं गद्दार हैं, संविधान के गद्दार हैं, भारत के लिए गद्दार हैं, ये लोग देशद्रोही तमाम। लेकिन दीपक पांडे जी, अभी आपने महेश शर्मा के ऊपर भी आपने एक FIR उस FIR का हुआ क्या, क्या उस पर कहाँ तक कार्रवाई हुई है? देखिए पुलिस की कार्रवाई है, धीरे धीरे होता है, अभी तक उस पर क्या है कि उसका आप लोगों ने फिर FIR कराने के बाद में क्या संज्ञान लिया? उसके बाद हम 3 बार गए, उस पर क्या है कि हमें SHO भी जो होते हैं वो अलर्ट हुए हैं, उसके बाद जैसे कार्रवाई हम लोगों ने CD जो है प्रोवाइड करा दी थी, उसके बाद जैसे उसके संज्ञान लेने के बाद उनके ऊपर मुकदमा दायर होगा तो उसमें हम लोगों की भी जाना पड़ेगा, अपना कार्रवाई जो कि उधर से वो लोग भी आएंगे, प्रतिपक्ष भी आएगा, दोनों लोग जाकर के कार्रवाई करेंगे, वो आके क्या होता है जज साहब डिसाइड करेंगे। अनंत कुमार जी के खिलाफ आप क्या करना चाह रहे हैं? अनंत कुमार जी के खिलाफ हम लोग राजद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा दायर करने के लिए, हम लोग कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे FIR दायर करेंगे। धन्यवाद।